So, dear students, we are going to start this new chapter, gravitation. And let me tell you, this is a very, very interesting chapter. So, जब भी आप space, universe, planets, you know, stars, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हो तो naturally लोगों को बड़ा interest आता है उसमें. It's very interesting. तो इस chapter में कुछ कुछ हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे students. ठीक है, तो let us start. It will be a very interesting journey. तो स्टूडेंट्स, ग्रेट न्यूटन के बारे में तो अपने को पता ही है स्टूडेंट्स, और उनकी जो एप्पल वाली स्टोरी है वो भी आपको पता ही है कि एक दिन वो एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, एक एप्पल उनके सर पे गिरा तो वो सोचने लगे कि कोई भी चीज जो है वो नेचुरली अर्थ की तरफ नीचे ही क्यों गिरती है. कोई भी चीज को अगर आप छोड़ दो तो वो अर्थ की तरफ नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है. ठीक है, तो कोई भी चीज नेचुरली अर्थ की तरफ नीचे ही क्यों गिरती है, ऐसा वो सोचने लगे. फिर उनकी इस सोच से स्टूडेंट्स जन्म हुआ बहुत ही ज्यादा फिजिक्स का, राइट. वो इस सोच में पड़े और फिर उन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे लॉज खोजे, जिनमें से बहुत सारे लॉज अभी तक हमने पढ़े भी हैं स्टूडेंट्स. यहां पढ़े गए हम नया लॉ पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लेट अस सी ये लॉ क्या है. आपको थोड़ा सा आइडिया है भी ऐसे तो इसका, सो आइए देखते हैं क्या है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो स्टूडेंट सपोज करो हमारे पास दो पॉइंट मास है, ठीक है, कुछ दूरी पे दो पॉइंट मास रखे हुए हैं, एक की वैल्यू है m1 और एक की वैल्यू है m2. ठीक है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली r, उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय r. ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बोलता है स्टूडेंट्स कि ये दोनों मास जो हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे. तो स्टूडेंट्स, टू मासेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर. टू मासेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान देंगे ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब दोनों एक दूसरे पे सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं. जितना फोर्स इस पे लग रहा है एफ, उतना ही फोर्स इस पे भी लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है क्लियरली, राइट. So two masses apply equal and opposite attractive force on each other along the line joining them. Along the line joining them. और ये force जो है किस line के along लग रहा है? Along the line joining them. Right students? आपको समझ में आ रही बात? बहुत ही simple सी. अब universal law of gravitation ये भी बताता है students कि ये जो force हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसकी value कितनी होती है. तो बताता है कि F की जो value होती है, वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, आपको लोअर क्लासेस से पता होगा, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. एक एक करके सारे टर्म्स का मीनिंग यहाँ पे हम देखेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स अगर दोनों के मासेज ज्यादा हैं, अगर इनके मासेज ज्यादा हैं तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी ज्यादा लगेगा, राइट. इस फॉर्मूले से आप क्लियर समझ सकते हैं कि अगर मास ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा. लॉजिकल लग रही है बात, लॉजिकल लग रही है. दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा भारी होंगे, ज्यादा भारी होंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, मोर मास मोर अट्रैक्शन, राइट स्टूडेंट्स. साथ ही ये क्वेश्चन ये बता रही है कि अगर आर ज्यादा होगा, अगर आर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा स्टूडेंट्स, राइट. अगर ये दोनों दूर दूर हो जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा. मोर आर लेस अट्रैक्शन, राइट स्टूडेंट्स. ठीक है, लॉजिकल लग रही बात. प्लस यहां पे जी आ रहा है, जी एक कांस्टेंट है, जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमेशा सेम ही रहती है चाहे कुछ भी हो जाए. और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू जो है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जी की वैल्यू होती है, ये हमेशा इतनी होती है कुछ भी हो जाए. तो ऐसे तो ये जी की वैल्यू को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है कहीं पर भी तो यू नो जी की वैल्यू दी होती है और हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं. फिर भी अगर आपको ये याद हो तो इट्स गुड. ठीक है, तो कि जी इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स. यहां पर हो सकता है आपको एक कंफ्यूजन आए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो चीजों के पास अगर मास होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मान लो कोई सिंपल सा एक रूम देख लो आप, ठीक है, तो इसमें तो जितनी भी चीजें हैं सबके पास मास है. ये चेयर फॉर एग्जांपल, इसके पास मास है, ये जो सोफा आप देख रहे हैं उसके पास भी मास है. तो फिर तो इन दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए,
और दोनों को एक दूसरे से आकर टकरा जाना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए और एक दूसरे से आकर टकरा जाना चाहिए। वैसे यहाँ पर ये छोटा टेबल, ये जो सोफा है और ये जो लैंप है, ये दोनों को भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। इस लैंप को भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, इस लैंप और इस अलमीरा को भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। कहने का मतलब कि रूम में हर चीज के पास मास है, तो सब चीज को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए फिर तो, और फिर सबको अपने आप ही चलना, मतलब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सबके साथ आके चिपक जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है फिर, राइट। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, अब यहाँ पे कोई इतने सारे लोग हैं, लोगों का भी तो मास होता है, इस आदमी का मास है, इस लेडी का मास है, राइट। तो दोनों को एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहिए और दोनों को कोलैप्स कर जाना चाहिए। वैसे सारे लोग को एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कोलैप्स कर जाना चाहिए, एक दूसरे से एक दूसरे से आगे टकरा जाना चाहिए, वैसा तो होता नहीं है स्टूडेंट्स। तो फिर जो हमने पढ़ा क्या वो सिर्फ किताबी बातें हैं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 / r², ठीक है। तो इसमें जो जी है वो बहुत छोटा है, 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है। तो ये जो है 10⁻¹¹, आप समझ रहे हैं, बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। तो होता क्या है कि इन सब चीजों पे डेफिनेटली ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स होगा वो इन सब के बीच में डेफिनेटली लग रहा है स्टूडेंट्स, वैसे इन लोगों के बीच में भी लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो फोर्स जो है बहुत छोटा है, फोर्स इज वेरी स्मॉल, फोर्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्यों बहुत छोटा है स्टूडेंट्स? क्योंकि जी की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। मान लो आप दो लोगों का मास रखोगे यहाँ पे और आर रखोगे, तो यहाँ पे जी बहुत छोटा होने से, जी बहुत छोटा होने से जो फोर्स आएगा वो भी बहुत छोटा होगा। तो इन नॉर्मल सिचुएशंस में ये जो फोर्स की वैल्यू आती है बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि वी कैन नॉट फील इट, वी डोंट फील इट, हम इसकी को फील नहीं करते, या उसका इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो डेफिनेटली ये दोनों आके एक दूसरे से कोलाइड करते, बट ऐसा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर लग रहा है लेकिन वो इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि कुछ नहीं होता। और क्यों इतना कम है? क्योंकि जी की वैल्यू कम है, क्योंकि जी की वैल्यू कम है। समझ में आइए स्टूडेंट साहब? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तब हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स हैव ह्यूज मास, ऑब्जेक्ट्स हैव ह्यूज मास, ह्यूज मास, ठीक। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, ठीक है, तो ये बहुत बहुत ही भयानक बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके केस में मास जो होता है बहुत ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जी के छोटे होने पे भी फोर्स काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मास बहुत ज्यादा होता है जैसे प्लैनेट्स या स्टार्स का, तब फोर्स इज लार्ज, तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो लार्ज होता है, सिग्निफिकेंट होता है, उसका इफेक्ट एक्चुअली में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स जब हम यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, तो उसमें हम प्लैनेट्स स्टार्स इन सब की बात करते हैं, उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। बट डे टू डे लाइफ में मासेस बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स कई बार ये जो लॉ है उसको इस तरह से भी स्टेट किया जाता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वही बात है स्टूडेंट्स जो अभी भी मैंने आपको इस फॉर्मूले के हेल्प से बताई है, राइट, उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। तो स्टूडेंट ये सिंपल था, क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आप देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड लेंथ कितना है उसका ए, उसके वर्टेक्स पे ऐसे मासेस रखे हुए हैं एम, 2m, 4m और ये 3m, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, इस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये हमें पता करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, देखें आप कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, सिंपल है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अभी मुझे सिर्फ इस पे फोर्स देखना है। तो ये जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा से बाय F1 फोर्स, ठीक है। तो ये जो F1 फोर्स है यहां पे वो कितना लिखेंगे अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जी एम इंटू 3m डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसको माइनस आई कैप लिख सकते हैं, माइनस आई कैप, इधर की तरफ माइनस आई कैप, ठीक है, ओके।
अब देखो ये जो 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है, वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा हो कुछ इस तरीके से, उस फोर्स को मैं एफ टू लिख देता हूँ। एफ टू को हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स, जी एम इंटू 4m डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ये नीचे की तरफ ऐसे लग रहा है तो माइनस जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बचा ये स्टूडेंट्स, ये जो 2m वाला ऑब्जेक्ट है वो भी इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से अट्रैक्ट करेगा और उस फोर्स को मैं एफ थ्री लिख रहा हूं, तो एफ थ्री फोर्स मेरा कितना होगा, तो एफ थ्री विल बी जी एम इंटू 2m डिवाइड बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है डायगनल, डायगनल दैट विल बी ए रूट टू, तो ए रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, एफ वन वैक्टर एफ टू वैक्टर, और ये अब देखो इसमें डायरेक्शन लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये ऐसे बीचों बीच है। ठीक है, तो लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये जो एंगल है ये 45 होगा, तो कंपोनेंट कर लेंगे हम इसका, दिस बाय रूट टू वो इधर की तरफ होगा, दैट इज माइनस आई कैप एंड माइनस जी एम 2m बाई ए रूट टू का होल स्क्वायर 1/√2 जे कैप, राइट। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो भाई एक आई के लॉन्ग और एक जे के लॉन्ग, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, इतनी मैकेनिक्स तो हमें आती है। अब हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स जो है तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाएगा, तो जो नेट फोर्स है उस पे दैट विल बी एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर प्लस एफ थ्री वेक्टर, राइट। तो तीनों वेक्टर को हमें सम करना है, राइट, तो वो तो हमें करना आता ही है स्टूडेंट्स, उतना तो कर ही लेंगे, आई आई वाले को साथ में लिख लेंगे और जे जे वालों को साथ में लिख लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर, दैट विल बी द नेट फोर्स स्टूडेंट्स। हम चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आप अब कर लेंगे, कैलकुलेशन है उसमें सिंपली। देखो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब देखो तीनों साइड लेंथ सेम है, इसके तीनों वर्टेज में मास एम रखा हुआ है, ठीक है, सेम मास, ओके। अब हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है इसमें से, मान लो मैंने ये लिया और इस पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, एक देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा एफ फोर्स लगा के, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे एफ फोर्स लगा के, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और ये जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो ये एफ वन है और ये एफ टू है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, क्यों सेम आएगा आप समझ रहे हो, क्योंकि ये मास और ये मास जो है वो एक्चुअली सेम है और डिस्टेंस भी इससे सेम है, राइट। तो एफ वन और एफ टू दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो दैट विल बी सिंपली जी एम एम डिवाइड बाई ए स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, एफ वन का मैग्नीट्यूड भी यही है एफ, ठीक है, और एफ टू का ही मैग्नीट्यूड ये है। अब नेट फोर्स लगाना निकालना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 है स्टूडेंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो जो नेट फोर्स है वो वेक्टर सम से इधर होगा कुछ, ठीक है, तो ये जो नेट फोर्स है वो हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट विल बी रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1f2 cos ऑफ 60। नाउ इट्स ऑल अबाउट पुटिंग द वैल्यूज, एफ वन एफ टू दोनों की वैल्यू हम रख देंगे, cos 60 की वैल्यू रख देंगे, तो वी विल फाइंड आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन पे भी आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो ये सब बहुत सिंपल सिंपल है, आप कर ही लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आप समझो, कैलकुलेशन में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलो ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं नहीं तो। दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ वन स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर एम टू द पावर 4 डिवाइड बाई ए टू द पावर 4, एफ टू स्क्वायर वो भी इतना ही है तो इंटू 2 कर दो, प्लस 2 इंटू एफ वन इंटू एफ टू दैट इज जी स्क्वायर एम टू द पावर 4 डिवाइड बाई ए टू द पावर 4 एंड कॉस ऑफ 60 दैट इज हाफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आप देखें, रूट अंडर 3 g² m^4 a^4, राइट, सो दिट विल बी √3 g² / a² दैट इज आवर आंसर, सिंपल। ठीक है, बस इतना ही हम छोड़ देंगे, अगर m की वैल्यू दी होती, a की वैल्यू दी होती तो मैं वो नंबर्स यहां पे पुट करता और g की वैल्यू भी पुट करता और फिर कैलकुलेशन करता, लेकिन वैल्यूज नहीं दी हुई है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि अगर यहां हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है से m1 और यहां पे एक दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी कर रहा है उसको, दैट्स राइट, और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्मूला है इस ये तब अप्लीकेबल है जब ये दोनों पॉइंट सोर्सेज हो, तब जब ये दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो, पॉइंट मासेज हो,
ठीक है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स हों तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। अगर इनका कुछ अजीबो गरीब सा शेप है और ये बहुत बड़े हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस फॉर्मूले से नहीं दिया जाए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप सपोज करो कि कुछ अजीबो गरीब के शेप का ये ऑब्जेक्ट है M1 और ये M2 भी कुछ अजीबो गरीब शेप का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये दोनों में कुछ मास है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, स्टूडेंट्स ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन ये जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या इससे दिया जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला है ये तब अप्लीकेबल होता है जब दोनों ये पॉइंट मासेस हों। अगर ये कुछ अजीबो गरीब शेप के बड़े ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स कुछ अलग फॉर्मूले से दिया जाता है। वो सब हालांकि हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि वो सब हमारे कोर्स में नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंट मास, अगर है पॉइंट मास है छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला ये है ये बताया। अब मैं आपको कुछ और केसेस बताऊंगा जहां पर ये एक पॉइंट मास नहीं होगा, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट मास नहीं होगा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फेयर, ड्यू टू हॉलो स्फेयर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हॉलो स्फेयर है, उसका मास है M1। ठीक है, दो केसेस हम देखेंगे, केस ए और केस बी। यहां पर भी हमारे पास वही हॉलो स्फेयर है जिसका मास है M1। एक बार स्टूडेंट्स इसके बाहर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है M2, और एक बार उसके अंदर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है M2 वंस अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक हॉलो स्फेयर हमारा, उसके बाहर जब पॉइंट मास रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ये जो हॉलो स्फेयर है वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ कोई फोर्स एफ लगा के, और यहां पर ये जो एफ होता है उसकी वैल्यू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है स्टूडेंट, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होती है। तो बेसिकली इस केस में अट्रैक्शन का वही फॉर्मूला अप्लीकेबल है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ठीक है, पर इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट्स कि ये जो आर होता है वो ये डिस्टेंस है, दैट इज दिस डिस्टेंस। आर जो है वो इस पॉइंट सोर्स सॉरी पॉइंट मास और स्फेयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, तो आर जो डिस्टेंस है वो स्फेयर के सेंटर से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब ये मास M2 स्फेयर के अंदर रखा होता है स्टूडेंट्स, तब इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है स्टूडेंट्स, नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर बड़ा हो या ना थोड़ा अलग शेप हो उसका, अगर वो पॉइंट मास नहीं है तो थोड़ी अलग कहानी भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, अगर ये जो पॉइंट मास है वो हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तब इन दोनों के बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स बात? लेकिन अगर वो पॉइंट मास बाहर रखा हुआ होता है तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, वो उसी फॉर्मूले से दिया जाता है, लेकिन वहां पे आर जो है वो स्फीयर के सेंटर से लेना होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें, आप देखिए यहां पे एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर है वो और मास है M1, और एक यहाँ बड़ा हॉलो स्फेयर है जिसका मास है M2, ठीक है, उसका मास है M2। दोनों हॉलो स्फेयर के बीच वाले रीजन में एक पॉइंट मास रखा हुआ है M3, M3 जिसका O से डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, R, O से डिस्टेंस कितना है R। तो ये M3 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, M3 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, ये हमें बताना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो तो स्टूडेंट्स M3 पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी फोर्स ड्यू टू M1 प्लस फोर्स ड्यू टू M2, राइट। तो यहां पर दो हॉलो स्फीयर है स्टूडेंट्स, दो हॉलो स्फीयर है, तो M3 पे फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्फीयर है वो कितना फोर्स लगा रहा है वो देखेंगे इस पे, फिर ये जो स्फीयर है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है कि इस पे फोर्स निकालने के लिए मुझे दोनों का फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप देखें पहले ये वाला जो स्फीयर है उसके कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ये वाले स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, दिमाग लगाए थोड़ा सा। देखो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्फीयर है उसके ये बाहर है, ये वाला जो स्फेयर है उसके लिए ये बाहर है, तो उसका फोर्स, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है ऐसे लगेगा, और उसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा, जी इसका मास M1 इसका M3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये जो बाहर वाला स्फेयर है हमारा, बाहर वाला स्फेयर है, ये जो स्फेयर है, ये स्फेयर जो है इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना है, कितना लगेगा ये बाहर वाले स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो स्टूडेंट, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि
बाहर वाले स्फेयर के लिए, इस स्फेयर के लिए, ये उसके अंदर है, ये उसके अंदर है, अंदर है, अंदर है, तो कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा उसके कारण। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल सिंपली जी एम वन एम थ्री बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में है आपको बात? ओके स्टूडेंट्स, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अभी हमने हॉलो स्फीयर का सीन देखा था, अब सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? सपोज करो ये बड़ा सा कोई सॉलिड स्फीयर है स्टूडेंट्स, उसका मास है एम वन, ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मास रखा हुआ है एम टू। ठीक है, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है स्टूडेंट्स, ये एम टू को अट्रैक्ट करेगा वंस अगेन, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहां पर भी जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर से ही दिया जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां पर भी ये आर का वही कॉन्सेप्ट है कि आर डिस्टेंस कैसे मेजर की जाएगी स्टूडेंट्स, आर इज द डिस्टेंस, इज दिस डिस्टेंस आर, ये दूरी है इस पॉइंट मास की स्फेयर के सेंटर से, स्फेयर के सेंटर से। तो जैसा हॉलो केस का सीन था बिल्कुल वैसा ही है यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर पॉइंट मास जो है वो स्फेयर के बाहर है, स्फेयर के बाहर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर के बाहर है, तो फिर से अट्रैक्शन फोर्स ऐसे ही दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम तब आती है जब वो पॉइंट मास अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। तो इसमें सपोज करो एक ऐसा स्फीयर है मेरे पास बड़ा सा, ठीक है, उसका मास तो ठीक है एम वन है, उसके सेंटर से आर दूरी पे, उसके सेंटर से आर दूरी पे दूसरा मास है मेरे पास एम टू छोटा सा। ठीक है, अब ये स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, स्फीयर के अंदर रखा हुआ है, अब इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा? हॉलो केस में तो हमने देखा था कि अंदर डालने पे अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गया था, अंदर डालने पे अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गया था, यहां पे जीरो नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। सपोज करो ये जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है, ठीक है, तो प्लीज नोट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम एम टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इन दोनों के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगा के सोचेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दें कैसे, ये जो स्फीयर है इसको दो पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। लेट मी स्क्रोल दिस पेज डाउन। तो कैसे डिवाइड करेंगे? सो ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, डॉटेड ग्रीन लाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस लाइन के अबाउट मैं इस स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। प्लीज नोट ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो सर्किल है, सर्किल है वो एम टू से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इस डॉटेड लाइन के अंदर स्फीयर का जो पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो स्फीयर का पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा, और इस डॉटेड डॉटेड लाइन के, ये डॉटेड सर्किल जो ग्रीन सर्किल है उसके बाहर जो स्फीयर का पार्ट है उसको मैं अलग सोचूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखें आप अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है उसको मैं दो पार्ट में तोड़ के सोच रहा हूं। ठीक है, ऐसा काम हमने और चैप्टर्स में किया भी है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है वो मैंने यहां अलग बनाया है, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको मैंने अलग बनाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो वापस से मेरा पुराना स्फीयर बन जाएगा। सही है, इन दोनों को ऐड कर दें तो वापस से मेरा पुराना स्फीयर बन जाएगा। राइट, यहां पर आप देख सकते हो कि इसकी जो ये जो रेडियस होगी ये कितनी होगी, आर होगी। राइट, ये वाला स्फीयर है ये। ठीक है, और यहां पर यह डिस्टेंस कितनी होगी, आर, और ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर। राइट, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा मेरा। ठीक है, अब ये जो मेरा पॉइंट मास है एम, इसके लिए वो यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, ये एम टू, और इसके लिए वो यहां पर है एम टू। ठीक, तो हम सोच सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिचुएशंस। लाइक ये जो स्फीयर है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। राइट, तो इस केस में मुझे अट्रैक्शन फोर्स अगर निकालना है, इस केस में अगर मुझे अट्रैक्शन फोर्स निकालना है तो मैं इस केस में निकाल लेता हूं और इस केस में निकाल लेता हूं और फिर दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इस ये मतलब ये दोनों ज्योमेट्री को अगर मैं ऐड कर दूं, ये दोनों ज्योमेट्री कंबाइन कर दूं तो मुझे ये ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है एम टू पे, इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहा है एम टू पे उसको मैं ऐड कर दूं तो इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मुझे मिल जाएगा, इस केस में जो फोर्स लग रहा है वो मुझे मिल जाएगा। आप समझ गए मेरी बात? अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है ये एक हॉलो स्फीयर है, ध्यान देंगे ये एक हॉलो स्फीयर है। राइट, दिस अ हॉलो स्फीयर, ये एक हॉलो स्फीयर है, तो इसके कारण M2 पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसके कारण M2 पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, M2 उसके अंदर है, M2 उसके अंदर है, M2 उसके अंदर है, तो उसके कारण उस पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये एक हॉलो स्फीयर है स्टूडेंट्स। ठीक है,
उसके कारण इस M2 पे जो उसके अंदर है कितना फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, जीरो। उसके कारण कितना फोर्स लगेगा, जीरो। अभी भी हमने देखा था राइट। अब ये देखो यहां पे, ये एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर और ये उसके जस्ट बाहर है, जस्ट बाहर है। तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण इस पे कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो ये सॉलिड स्फीयर के कारण इस पे कितना फोर्स लगेगा वो अब मैं निकालता हूं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे इसका मास चाहिएगा स्टूडेंट्स, पहले मुझे इसका मास चाहिएगा। तो स्टूडेंट्स का मास कैसे निकाला जाएगा आप ध्यान दें, देखो ये जो पूरा स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स, उसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। इसका पूरा वॉल्यूम है 4/3 πr³। तब उसका मास कितना है m1, उसका मास कितना है m1। तो अगर इसका वॉल्यूम 1 होता है स्टूडेंट्स तो इसका मास कितना होता, m1/4/3 πr³ राइट। इस पूरे का वॉल्यूम है 4/3 πr³, तो उसका मास है m1। अगर इसका वॉल्यूम 1 होता तो मास इतना होता। अब इसका वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³, तो इसका मास कितना होना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम यहां पे स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 πr³ से राइट। तो आप देख सकते हो यहां पे 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वील हैव m1 r³ / r³ राइट। ये मास हो गया, तो इसका जो मास है स्टूडेंट्स, इसका जो मास है, इसका मास कितना है स्टूडेंट्स, इसका मास हो जाएगा m1 r³ / r³, ये इसका मास है। तो स्टूडेंट्स इसके कारण ये इस पे फोर्स जो लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा दैट विल बी लाइक दिस, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, नॉर्मल फॉर्म में से जाएगा जी, इसका स्फीयर का मास दैट इज m1 r³ / r³, फिर इसका मास दैट इज m2, तो जी m1 m2 है बेसिकली, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो इन्वॉल्व है उनका मास, एक इसका मास और एक पॉइंट मास का मास, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या लेंगे यहां पे, डिस्टेंस इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस मास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट इज स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो फोर्स है आप इसमें देखो, यहां आर स्क्वायर है, यहां आर क्यू है, ध्यान से देखो, तो यह जाएगा जी m1 m2 r/r³ राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है स्फीयर का उसके कारण इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी दिस मच, ये जो पार्ट है स्फीयर का उसके कारण इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी जीरो। स्टूडेंट्स इसमें आपको थोड़ा डाउट होने के चांसेस है तो आपको रिवाइंड करके वापस देखना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में जो फोर्स लग रहे हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो इस केस का फोर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑलरेडी जीरो था, तो आपको समझ में आएगा कि इस केस में जो फोर्स लग रहा है दैट इज दिस ओनली। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड स्फीयर के कारण कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर कोई पॉइंट मास उसके बाहर है, पॉइंट मास उसके बाहर है तो उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दैट विल गिवन बाय द सिंपल फॉर्मूला जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन कोई पॉइंट मास अगर उसके अंदर है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगता है सेंटर की तरफ, ध्यान देंगे, उस पर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगता है सेंटर की तरफ, और वो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है जी m1 इसका मास है, इस पूरे स्फीयर का मास है, m1 पूरे स्फीयर का मास है, m2 इसका मास है, जी m1 r/r³। प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स ये थोड़ा अलग फॉर्मूला है, ऊपर है r है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, और नीचे जो r क्यूब है स्टूडेंट्स वो r कौन सा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है। सो बाहर अगर है पॉइंट मास तो फॉर्मूला वही है नॉर्मल वाला, लेकिन अंदर है तो आप देख सकते हो थोड़ा अलग फॉर्मूला है, इनफैक्ट काफी अलग है, जी m1 m2 r/r³। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं इसके डेरिवेशन में आपको हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट्स। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। ओके स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास 2m है, ये हॉलो स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास m है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है d, उनके बीचों बीच ये पॉइंट मास है m, इस पे टोटल अट्रैक्शन फोर्स बताना है, इस पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, इस पे टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमें बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m, ऑन पॉइंट
मास एम, इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये वाला स्फेयर पहले कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे, और ये वाला स्फेयर कितना फोर्स लगा रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्फेयर जो है वो इस पे अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लगाएगा, ठीक है, उसको बोल रहे हैं F1। ये जो F1 है उसको हम नॉर्मल वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि ये स्फेयर के बाहर है, बाहर है। तो कितना होगा वो, जी 2m, इसका मास, फिर इसका मास दैट इज m, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, ये जो दूरी है, डिवाइड बाई ये दूरी। ठीक है, तो ये दूरी ऑब्वियसली डी बाई टू होगी क्योंकि ये बीचों बीच रखा हुआ है, डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूले से। ठीक, अब ये जो है स्टूडेंट्स हॉलो स्फीयर, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा एफ टू फोर्स लगा के। तो ये एफ टू फोर्स कितना होगा स्टूडेंट्स, जी एम जो कि इसका मास है और इसका मास भी एम है, डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इस पॉइंट मास का डिस्टेंस यहाँ सेंटर से, इस पॉइंट मास का डिस्टेंस ये सेंटर से स्टूडेंट्स, इसके सेंटर से, विच विल अगेन बी डी बाई टू क्योंकि वो बीचों बीच रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक इसे फोर्स लग रहा है F1 बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर और एक लग रहा है F2 बिकॉज ऑफ दिस स्फीयर। तो इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर लगेगा, जो बड़ा होगा उसी डायरेक्शन में। तो कौन बड़ा है, F1 बड़ा है F2 बड़ा है, देखो थोड़ा ध्यान से आप देखें, ये F1 है, यहाँ 2m है बेसिकली और यहाँ पे 2 नहीं है, तो डेफिनेटली F1 बड़ा है, मतलब इस पे जो नेट फोर्स है स्टूडेंट्स, नेट फोर्स है जो इधर की तरफ लग रहा है। तो इस पॉइंट मास पे नेट फोर्स इधर लगेगा और वो होगा कितना स्टूडेंट्स, दिस नेट फोर्स विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस, दैट विल बी F1 माइनस F2। कितना आएगा ये F1 माइनस F2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दिस इज 2gm² डिवाइड बाई d² / 4 माइनस दिस वन दैट इज gm² / d² / 4। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा gm² / d² / 4, सो दिस विल बी 4gm² / d², दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर एक हॉलो स्फेयर है बाहर, आप देख सकते हैं बड़ा सा हॉलो स्फेयर है जिसका मास कितना है 2m, अंदर एक सॉलिड स्फेयर है जिसका मास कितना है 3m, उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4m। फिर से हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास हमें पता करना है, इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो इसमें फिर से क्या काम रहेंगे, हम देखेंगे इसके कारण इस पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ये हॉलो स्फीयर के कारण कितना लग रहा है, और दोनों को ऐड करना है। तो इसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए ये जो पॉइंट मास है वो बाहर है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरह से F1 फोर्स लगा के, और वो नॉर्मल फॉर्म में से निकलेगा जी इन दोनों के मास का प्रोडक्ट दैट इज 3m एंड 4m, तो 3m इंटू 4m डिवाइड बाई ये जो डिस्टेंस है आर उसका स्क्वायर, राइट डिस्टेंस। ये जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर वो इस पर कितना फोर्स लगाएगा, हो कितना लगेगा, जीरो, क्योंकि तो अंदर है उसके, तो हॉलो स्फेयर का फोर्स पे कितना हो गया जीरो, दिस इज द फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फेयर। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स लग रहा है यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बाहर वाला हॉलो स्फेयर तो कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, सिर्फ यही लगा रहा है, दैट इज F1, सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये एक सॉलिड स्फेयर है, आप ध्यान देंगे उसका मास है m, एक हॉलो स्फेयर है उसका मास भी m, ध्यान दें एक सॉलिड स्फेयर है उसका मास है m, एक उसको सराउंड करता हुआ एक हॉलो स्फेयर है उसका मास भी m। अब इस सॉलिड स्फेयर के अंदर, यहाँ पर एक पॉइंट मास है m, फिर से हमें निकालना है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m, ये जो पॉइंट मास है इस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे ये जो सॉलिड स्फेयर है वो कितना लगा रहा है और हॉलो स्फेयर कितना लगा रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। पहले फोर्स ड्यू टू हॉलो स्फेयर कितना होगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि हॉलो स्फेयर के लिए ये पॉइंट अंदर है और ऐसा होने पे हॉलो स्फेयर का फोर्स जीरो होता है। ठीक है, नाउ फोर्स ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, ठीक है, देख तो सॉलिड स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है, लेकिन उस टाइम पे फोर्स का फॉर्मूला होता है जी मास का प्रोडक्ट, तो इसका मास एम है और स्फीयर का मास भी एम है, तो दोनों मास का प्रोडक्ट इनटू आर, ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम सेंटर, डिवाइडेड बाई ये स्फीयर का रेडियस का क्यूब आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो टोटल फोर्स क्या होगा इन दोनों का सम, विच इज एक्चुअली दिस,
समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वीडियो को आपको रिवाइंड करके देखना चाहिए, ठीक है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन।